हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? तो आज आप ये देख के बड़ा हैरान होंगे कि मैं फिजिक्स का टीचर और पीछे बायो लिखी हुई है ना। तो एक्चुअली जो हमारे दूसरे सर हैं, आरपी सर, जो आपको बायो पढ़ाएंगे, आइए सर, ये हमारे दूसरे साथी हैं जो आपको बायो देखेंगे। आरपी सिंह और मैं आपका बायो का टीचर हूँ। तो थोड़ा देख ले हम लोग कि बायो को किस तरीके से आप लोगों को टैकल करना है, बात में आ गया, आप लोगों को कैसे टैकल करना है ये आप लोग जो है देखेंगे। स्टार्ट करें। हाँ, देखिएगा बायोलॉजी जो है आपका, पहले ओवरव्यू ना स्मॉलेस्ट तरीके से ले लें आप लोग। नॉर्मली हम लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास दोनों क्लासेस की। देखें जो 9th क्लास और 10th क्लास है उसमें से आपका लगभग 30 से 35% आपका इसमें से गेन होगा। दूसरा बात क्या है कि आप इसके बाद 11th और 12th ये जो क्लास है उसमें आप ऐसे मान सकते हैं कि 60 से 65% जो है आप 12th को देखेंगे, 11th 12th को दोनों को मिलाकर देखेंगे। एट लास्ट जो ग्रेजुएशन लेवल होता है, एट लास्ट जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर आप 10 to 15% जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इस 10 to 15% को करने के लिए मार्केट में कोई बुक वैलिड नहीं है। अगर है तो समझ में नहीं आता कि आप ग्रेजुएट लेवल पढ़ रहे हैं या आप 11th 12th लेवल पढ़ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको करना क्या, बस आप मुझे फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन में जो एंट्री करने का जो रास्ता है वो कैसे आपको देखना पड़ेगा। बस इसमें अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि जो TGT है और जो PGT है, TGT और PGT, तो TGT PGT के अंदर याद रखें 60% जो है, 60% की जो मार्किंग है वो आपकी किसकी है, बायोलॉजी की है। किसकी है आपकी, बायोलॉजी की। बायोलॉजी आपका 60% का है। मैं चाहता हूं कि 60% में से आपके 100% मार्क्स आ जाएं। वो तभी पॉसिबल होगा जब वही चीज को फॉलो अप करेंगे। एक, मैं बोल कह रहा हूं, दूसरा कि मैं बोर्ड पर लिख कह रहा हूं, बस में आ गया, उतना ही सफिशियंट है। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि बच्चों को प्रॉब्लम हो। मैं करीब 9 या 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी को प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, देखें मैंने दो सेक्शन में लिखा है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, जो बॉटनी सेक्शन है उसे याद रखिएगा, वो मार्क्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा परसेंटेज की आती है, लेकिन जूलॉजी जो है वो मार्क्स के रिस्पेक्ट में कम परसेंटेज की है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये भी हमारे पास कितना 50% और ये भी हमारे पास कितना 50%, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखिएगा कुछ चीजें मैच करती है, जो चीजें मेन है मैं बस आपको बताना चाहूंगा इस समय। देखिएगा बॉटनी के अंदर प्लांट किंगडम है, वैसे ही आपका एनिमल किंगडम इसमें भी आता है। तो हम लोग किस तरीके से मैच करेंगे, किस तरीके से 9th और 10th 11th 12th और सीधे एंट्री ग्रेजुएट में हमारे को जाना है, तो वो आपको यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और देखिए नॉमेनक्लेचर, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन, जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट भी करेगा और यही रिप्रोडक्शन एनिमल भी करेंगे, आप और हम भी करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो सब यही काम करते हैं। पास में आ गया, तो रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन एनिमल भी करेगा और प्लांट भी करेंगे, तो हम लोगों को ये मैच करके पढ़ना है। पास में आ गया, जैसे मैं कहूं कि प्लांट के अंदर आपको क्रेब्स साइकिल मिलेगा, ठीक उसी तरीके से आपको एनिमल के अंदर भी क्रेब्स साइकिल मिलेगा। तो दोनों में किस तरीके से मैचिंग करके आपको क्वेश्चन को समझना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें हमारे पास न्यूट्रिशन, जब भी आप न्यूट्रिशन को पढ़ें तो प्लांट सेक्शन आपके ब्रेन में होना नहीं चाहिए। अगर प्लांट सेक्शन आपके ब्रेन में है तो आपको अंडरस्टूड करने में दिक्कत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट नॉर्मल चीज है, वो उसके सब्स्टिट्यूट है कि आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास हो गया, दो चैप्टर ऐसे हैं, मैंने बहुत मार्केट छानी है, मैंने अभी तक नहीं देखा कि मार्केट में डिसीज और बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन को समझाने के लिए कोई बुक अभी तक वेल ट्रेंड होकर आई हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा कोर्स मैं लोकल लैंग्वेज में समझाऊं, क्योंकि वो बनावटी चीज मुझे पसंद नहीं है कि आप लोग बस मुझे फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद जो है आपको इजीली समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। आई होप आप लोग मुझे फॉलो करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा
कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, आप लोगों का मार्क्स में ज़्यादा परसेंटेज में ला सकूं, तो वो आप लोग जब मुझे फॉलो करेंगे तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.